नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस एवं शिक्षक प्लस में। अभी आप जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे थे, बिहार सेवंथ फेज में जो टीचिंग वैकेंसी है उसके सिलेबस का एग्जाम पैटर्न का कि क्या होगा। मैं आपको बोला था कि एक दो दिन में आ सकता है, एक वीडियो आज आपको दिया था, लेकिन अभी शाम में ही इतने टाइम ही उन्होंने क्या कर दिया है, उनको भी इंतजार नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि बच्चे इतना हुआ की स्थिति में तुरंत लॉन्च कर दिया जाए, तुरंत ही एक बार सिलेबस दे दिया जाए ताकि बच्चे आगे की अपनी पढ़ाई चालू रखें। तो उसका सिलेबस आ गया है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि अब बिहार का जब सिलेबस आ गया है, हमारे पास सब कुछ है, तो टीम हमेशा आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से की है और इस बार बीपीएससी से पहली बार करा रही है, बीपीएससी को मौका मिला है, तो टीम परीक्षा प्लस एक नए तरीके से एकदम फ्रेश एनर्जी के साथ आपकी इसकी तैयारी कराने वाली है। वो भी आपको मैं बता दूं कि ये पूरा का पूरा बैच निःशुल्क चलने वाला है, एक रुपए भी फीस इसमें लगने वाली नहीं है, ये आप ध्यान दे लीजिएगा। इससे पहले हमने टीचिंग वैकेंसी का केवीएस चलाया, सीटेट चलाया, यूपीटेट चलाया, सारे फ्री चलाया, दमदार एकदम उसमें जो रिस्पांस रहा है सर लाखों बच्चों का, और क्या नंबर आए हैं गजब के। इस बार बिहार में झंडा गाड़ देगा परीक्षा प्लस शिक्षक प्लस। शिक्षक प्लस पे ये सारी ही क्लासेस आपकी चलेंगी, बहुत विधिवत तरीके से चलेंगी, और ये सारी चीजें जो घोषणा हो रही है ये इसलिए हो रही है कि मात्र 2 सालों के अंदर आपके प्रेम और आपके स्नेह के अंदर परीक्षा प्लस 2 लाख का आज परिवार बना है, और इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अंदर से बहुत खुशी होती है, बहुत विश्वास जगता है कि आप लोग का जो ये प्रेम है, ये जो स्नेह है, ये जो विश्वास है, इसके बदौलत हम लोग दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है और आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध भी है। सिलेबस क्या है वो सर आपको एकदम डिटेल में बताएंगे। सर एक बार बच्चों को सारी चीजें बताते रहिए आप। तो बच्चों नमस्कार, बिहार आप सभी का स्वागत है, और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इसकी तैयारी करेंगे और बहुत ही बेहतरीन सिलेबस आया। टीम पूरी तरह उसी सिलेबस का इंतजार कर रही थी, अब पूरी तरह डेडिकेटेड है। जैसा आपको सिलेबस प्रिडिक्ट किया गया था कि वैसा ही हेडमास्टर की तरह आपका सिलेबस है, लेकिन कुछ चीजें जो आपकी लैंग्वेज बेस पर थी कि सर लैंग्वेज आएगा कि नहीं, वो भी क्लियर कर दिया गया कि लैंग्वेज आपका आएगा। तो सिलेबस में क्या क्या है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तैयारी आपकी शिक्षक प्लस जो आपका परीक्षा प्लस का एक चैनल है उसी के थ्रू आपको कराया जाएगा, और पूरे बेहतरीन तरीके सभी आपके जो शिक्षक हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट में महारत हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहा। चलिए हिंदी वाले में आपको दिखा देते हैं, ये इंग्लिश में वही चीज दिया गया है, अब हम लोग थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने यहां पर जो है आपका सिलेबस जारी कर दिया है। पहला जो आपका पेपर है जो किसके लिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, ठीक है, प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक आपका मार्क के क्वेश्चन होंगे। और यह ध्यान रखना कि बोला गया था कि निगेटिव मार्किंग होगा, तो निगेटिव मार्किंग आपका होगा इसमें, लेकिन कितना होगा वो नोटिफिकेशन में आपको पता चलेगा, इसमें अभी डिटेल नहीं दिया, बस ये दिया गया है कि निगेटिव मार्किंग होगी। अब यहां पर 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर होगा, जो आपका पत्र के 2 भाग होंगे, इसमें जो पहला भाग होगा इसमें अंग्रेजी भाषा पूछी जाएगी और वो सबके लिए अनिवार्य होगी, और 25 क्वेश्चन इसका होगा, जो अंग्रेजी होगा इसका 25 क्वेश्चन होगा, और हिंदी भाषा, उर्दू, बंगला भाषा, इन तीनों में से किसी एक भाषा का आपको चुनाव करना होगा। ये बिहार टेट में भी भाषा वाले में जो होता था ये आता था, तो मैक्सिमम बच्चे तो हमें लगता है हिंदी भाषा में जाएंगे, और ये आसान भी होता है, और यहां से आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 75 25 100 क्वेश्चन आपके भाषा के होंगे। जो दूसरा पेपर आपका होगा वो एकदम जैसा बताया गया था कि सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, ये ध्यान रखिए, जीएस वाला, 150 क्वेश्चन 2 घंटे का होगा, ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए होगा, ठीक है, जीएस प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए है। अब यहां पर प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, ठीक है, जीके वाला सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल है। अब यहां पर लिखा है लेकिन यही सब चीज बिहार के सापेक्ष में भी पूछेगा, ये पूरा डिटेल आपको जब देगा ना सिलेबस नोटिफिकेशन के साथ, तब वहां पर बताएगा कि बिहार के चीजों के सापेक्ष में भी इनका कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे बनेगा। बोला है जो समान अध्ययन का पत्र होगा वो प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, मतलब जो जो चैप्टर है ना आपके प्राथमिक विद्यालय में उसी से संबंधित आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे, लेकिन लेवल आपका किस पर डिपेंड करेगा, वो आपकी जो न्यूनतम आहारता है जो मांगी गई है उसके ऊपर आपका लेवल रहेगा, मतलब क्वेश्चन का लेवल आपकी आहारता पे होगा, लेकिन जो आपका जहां से उठाएगा, जो एक तरह से बोला जाए टॉपिक बोला जाए ना, वो आपका टॉपिक किसमें होगा, प्राथमिक विद्यालय की जो किताबों में होता है उसी टॉपिक से लेवल वाले क्वेश्चन रहेंगे, बस इतना ध्यान रखिए।
उसके बाद से हम लोग बात करें तो ये माध्यमिक विद्यालय 6 से 8 वालों के लिए क्या होगा। 6 से 8 वालों के लिए देखो लैंग्वेज वाला पेपर तो होगा ही होगा, वो तो आपका देना ही देना है आपको। उसके बाद से यहां पर देखिए विषय और सामान्य अध्ययन का भी पेपर होगा, ठीक है। यहां पर विषय सामान्य मतलब इसमें भी दो भाग बांटा गया है, आपका 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन। जो आपका 150 क्वेश्चन दो घंटे का होगा, इसमें जो 100 क्वेश्चन है आपका वो विषय का होगा आपके, ठीक है। आप किस विषय के टीचर बनना चाहते हैं तो यहां पर दिया गया है हिंदी, बंगला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इन सब के आप टीचर बन सकते हैं। तो ये आपका 100 नंबर मतलब अच्छा खासा यहां से वेटेज रहेगा आपके सब्जेक्ट का। तो जिनका सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ है ना, वो आप अपना सब्जेक्ट तैयार कर लें किसके लिए, माध्यमिक विद्यालय के लिए, ठीक है, 6 से 8 वालों के लिए। और उसके बाद से विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन स्तर वही बोला है, उम्मीदवार का जो न्यूनतम अर्हता होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद से बोला है कि जो दूसरा भाग होगा जिससे आपके 50 प्रश्न पूछेंगे वो आपका सामान्य अध्ययन होगा। वो सामान्य अध्ययन जो आपको मैंने प्राइमरी में दिखाया, सिलेबस आपका वही है, प्राथमिक गणित है, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, ये सब आपका वही है, सेम चीज जो आपको मैंने अभी प्राइमरी में दिखाया, तो वही इसमें रहेगा। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएंगे, यहां बस 50 क्वेश्चन आपसे पूछेगा माध्यमिक वाले में। अब यहां पर जो आपके 9 और 10 के टीचर होंगे, यहां ध्यान देखिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो टीचर होंगे उनका भी आपका दो पार्ट होगा, 150 का भाग एक 100 नंबर का होगा और भाग दो जो है 50 क्वेश्चन 50 नंबर का होगा। भाग एक में क्या आएगा, विषय से संबंधित आपका प्रश्न होगा। अब विषय में यहां पर थोड़ा सा आपका विषय बढ़ जाएगा, जैसे इसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिक, रसायन मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, आपका ज्योग्राफी, सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। जैसे अभी आपने 6 से 8 में सोशल साइंस देखा ना, वो चीज आप आपकी अलग हो जाएगी, क्योंकि 9 10 में सब कुछ अलग होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको अलग पढ़ाया जाता है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस के भी यहां पर वैकेंसी कहा जा रहा है अच्छी खासी आने को देखने को मिलेगा। वाणिज्य, लेखा, संगीत और संगीत से रिलेटेड आपके पोस्ट आपके रहेंगे, तो ये सब आपके सब्जेक्ट भी उसी से पूछेगा आपका। तो मतलब जिनका यहां सब्जेक्ट है और 9 10 के टीचर बनना चाहते हैं, आपके पास आहार्ता है, तो आप अच्छा से इसका सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए, अच्छे खासे आपके वैकेंसी भी हैं और यहां से 100 प्रश्न आपका बनेगा भी और 100 नंबर का रहेगा। दूसरा जो आपका बोला गया है, दूसरा जो भाग होगा आपका, वो दूसरे भाग में आपका क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन का पत्र होगा जिसमें आपको उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहार्ता पे होगी, लेकिन जो आपका मिनिमम एक तरह से क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो है टफनेस रखी जाएगी क्वेश्चन की। यहां बोला है गणित रहेगा, सेम चीज है, सामान्य अध्ययन आपका वही प्राथमिक वाला सिलेबस है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कम है। यहां देखिए सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल है। अब यहां पर ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ना, पेपर जो होगा वो आपका बहुविकल्पी होगा, मतलब एमसीक्यू बेस्ड होगा, समझ गए। तो आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है, एमसीक्यू बेस्ड होगा, बीपीएससी करा रही है और समय पर आपका कंडक्ट हो जाएगा एग्जाम। जब से ये चल रहा है ना, सेवन फेस आ रहा है, देखो कितनी तेजी से सब कुछ हुआ, बहाली हुई, पूरा नियम सब कुछ बना, जल्दी ही आपका सिलेबस आ गया, दो दिन के अंदर हमें लग रहा है कि आपका क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब यहां पर देखिए बोला गया है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, लेकिन कितनी की जाएगी ये नहीं पता है। तो ये पता हो गया कि निगेटिव मार्किंग आपका होगा, तो बहुत सावधानी से आप लोगों को पेपर हल्क करना है और आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन भी, मिनिमम एक तरह से क्वालिफाइंग मार्क्स भी सिक्योर करना पेपर में जरूरी है। जैसे आप कोई भी पेपर दोगे तो यहां बोला गया है कि आपको 40% मार्क सामान्य वर्ग के बंदों को ले आना है परीक्षाओं में। मेगा निर्धारित हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अन्य पिछड़ा के लिए 34, अनुसूचित जाति के लिए आपका क्या हो जाएगा, देखो जनजाति, महिला और निःशक्त से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इतना परसेंट आपको लाना है, नहीं लाओगे तो आपको परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, मेरिट से आपको मेरिट, ये तो आपका एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसके बाद से आपकी मेरिट
बनेगी। तो ये आपका पूरा डिटेलिंग रहा कि आपका सिलेबस क्या है, और इसी के साथ एक और भी निकाला गया है बीपीएससी के द्वारा कि जल्द ही आपके नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, तो सभी लोग तैयार हो जाए। सिलेबस इतना जल्दी देने का एक ही कारण है कि बच्चे जो इतने देर से इंतजार कर रहे थे सेवंथ फेज वैकेंसी की, और काफी बड़ी वैकेंसी है और सिर्फ ये बिहार वालों के लिए है, तो बच्चे आप लोग अब लग जाइए, जी जान से लग जाइए, पूरी टीम आपके साथ आ रही है। आपके जो वैकेंसी है आपका, टीचर का जो सपना है आपका बनना, टीचर बनना बिहार में, वो सपना पूरे निशुल्क, एक भी रुपया नहीं लगेगा आपको, पूरे निशुल्क में यहां पे हर क्लासेस कराई जाएगी। जैसे केवीएस में हम लोगों ने पूरी क्लासेस ए टू जेड सब कुछ निशुल्क दिया और बच्चे के काफी अच्छे मार्क्स आए, ऐसे ही हम लोग बिहार में भी आपको पूरा ए टू जेड सभी सिलेबस आपके प्राइमरी को हम लोग कवर कराएंगे। तो जितने भी बच्चे प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल से जुड़ जाइए। और आप लोग टेलीग्राम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया, वहां से जुड़ जाइए। जैसे ही हम लोग पूरा बैच आपके सामने लेकर आएंगे, उसका पूरा नोटिफिकेशन, हर चीज कैसे कौन सी क्लासेस चलेंगी, आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बिहार, हाँ, आपका जो क्लास चलने वाली है वो शिक्षक प्लस, आपका परीक्षा प्लस का, जैसे शुरुआत में आलोक सर ने बताया शिक्षक प्लस आपका, उसी पर सभी क्लासेस रेगुलर इंटरवल पर चलेगी। तो आप लोग पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है उससे जरूर ज्वाइन हो जाइए, और जो भी खबर आप बिहार से रिलेटेड आपको आएगी, वो जो मैं जो भी होगा उसे आपको सूचित किया जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है, ये सब चीजें आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। उम्मीद है आपको जिसका इंतजार था वो आपको मिल गया, तो अब आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। और कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत, दुख, दर्द है, आप लोग अपना जो भी सर्टिफिकेट उकेट है ना, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ये सब कुछ आप बनवा के रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपका आने वाला है। और भी किसी प्रकार की आपको अगर समस्या है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।